हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग है और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने रिक्वेस्ट किया था। और जो टॉपिक है आज की रीडिंग का वो ये है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम आपके क्रश की फीलिंग्स एंड थॉट्स देखने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, या फिर आप के जो क्रश है उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर 1, द हाई प्रिस्टेस। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको नेम इनिशियल देखना है, देन आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जिस भी ऑप्शन में आपके जो क्रश है उनका नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट नजर आता है आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आज की रीडिंग आप जो है कार्ड के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के। ये दो ऑप्शंस हैं, जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं। इनकेस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें एंड हम फिर मिलेंगे आपकी रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने हाई प्रिस्टेस का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक की रीडिंग इस चैनल पे आ सके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। वी हैव द हायरोफंट, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो पर्सन है आपके क्रश, वो हो सकता है एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपके सामने ये जो पर्सन है आपको काफ़ी प्योर नज़र आते हैं, ठीक है, बहुत ही मैच्योर, चीज़ों को समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, लोगों की हेल्प करने वाले हैं, काइंड है नेचर में। ओके, मतलब आप एक पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर को जैसा देखते हो, या आपके सामने जो पर्सन में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारे क्वालिटीज़ आपको इस पर्सन में नज़र आते हैं, ठीक है। हायरोफंट का कार्ड समवेयर मुझे दिखा रहा है कि आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सोसाइटी के नियम को पालन करते हैं, कभी कुछ गलत काम है उससे दूर रखते हैं अपने आप को। तो ये सभी चीज़ें आपको इस पर्सन की काफ़ी पसंद आती है कि ये पर्सन अपने लाइफ में एक सही रास्ते को चुन के आगे बढ़ रहा है और दूसरों के साथ भी गलत नहीं करता है, चीज़ों को बहुत समझता है, काइंड है, नॉलेजेबल है, मैच्योर है, ठीक है। और टेम्परेंस का यहाँ पे मुझे बता रहा है कार्ड कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है, ठीक है, मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ हैंडल करते हैं। मान लो कि इनके साथ कोई अगर चिल्ला के भी बात कर रहा है तो ये पर्सन उस चीज़ को समझेंगे और ये जवाब ऐसा देंगे कि वो पर्सन सुन लेगा, शांत हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो। तो इस तरह का यहाँ पे मुझे नेचर नज़र आ रहा है इस पर्सन का। और आप इस पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी नॉलेजेबल मानते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखते हो, काफ़ी मैच्योर देखते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एंड प्योर, ठीक है। यहाँ पे लोटस समवेयर मुझे बता रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी प्योर नज़र आते हैं। लेट्स सी आपके क्रश की करेंट एनर्जी क्या है, आपकी क्रश की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन को व्हाइट फ्लावर्स काफी पसंद हो सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। सो करेंटली मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके क्रश है, जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हो, जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो,
वो पर्सन करेंटली किसी तरह के टफ फेज से बाहर निकल रहे, किसी तरह का तकलीफ। यहाँ पे बॉटम में जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व थे, इमोशंस काफ़ी जुड़े हुए थे उस पर्सन के साथ, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ये पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप में ही थे, हो सकता है वो पर्सन किसी के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती में थे या कोई फैमिली मेम्बर था, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन के बिहेवियर से इनको काफ़ी तकलीफ हुई है, आपको आपके क्रश को, और ये पर्सन उस चीज़ से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो करेंटली ऑप्शन नंबर 1 आई कैन सी कि जो आपके क्रश है वो किसी तरह की दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में वापस नॉर्मल आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम पे हो सकता है काफ़ी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अपनी तकलीफ को किसी को दिखाते नहीं, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि उससे ये बाहर निकले। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, तो हो सकता है कि इनके ऊपर इनके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है। ये पर्सन किसी के साथ बहुत अच्छे थे, फेथफुल थे, बहुत लॉयल्टी की, बहुत ही अच्छे से रिश्ते को निभाया, बट उस पर्सन ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे तकलीफ में है, एंड एज आई सेड ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ से। लेट्स सी आपके क्रश जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वी हैव जॉय, नंबर 37 आया है, तो 37 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है 37। एंड वी हैव नंबर 15 क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ काम करते हो, वर्क प्लेस पे मिले हैं आप लोग, या काम की सिचुएशन, कुछ काम से आपका लेना देना होता है जॉब रिलेटेड या आपके बिजनेस रिलेटेड इस पर्सन का लेन देन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काम से लेके कोई रिश्ता हो सकता है आपका इस पर्सन का, यहाँ पे जॉय है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है, तो समवेयर ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। आपके काम को काफ़ी पसंद करते हैं, आपके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी है, आप काफ़ी अच्छा सोचते हो, काम के प्रति काफ़ी लगन रखते हो, काम के प्रति आपका जो डेडिकेशन है उसको देख के ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। तो समवेयर जॉय का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको देख के ये पर्सन काफ़ी भीतर से खुश फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। इनके दिल और दिमाग में आपके लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। और उस स्पाइडर का कार्ड समवेयर बता रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी मेहनती लगते हो, मतलब बहुत मेहनत करके कुछ क्रिएट करना, जैसे एक स्पाइडर होता है वो दिन भर मेहनत करता है अपने जाल को बुनने में, वैसे आप भी अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो ये चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वी हैव डेथ, 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किसी पर्सन की हो सकता है मैरिज या एंगेजमेंट खत्म हुई है, इधर इस पर्सन की या हो सकता है कि आपकी। वी हैव जस्टिस, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे फिर से है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ऑप्शन नंबर 1 कि ये जो आपके क्रश है समवेयर हो सकता है कि ये काफ़ी तकलीफ में है अभी, काफ़ी दुख में है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है इनके लाइफ में, और विद द कार्ड ऑफ डेथ काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन या इनकी एक्सपेक्टेशंस ख़राब हो गई है, मतलब किसी पे भरोसा करना और फिर वो पूरी ना होना, तो वो वाली तकलीफ इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है। और आपकी तरफ इनकी जो फीलिंग्स है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि समवेयर इनकी लाइफ में काफ़ी सारे डिफिकल्टीज है जो आपके क्रश है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाए जा रहे हैं, इधर इनकी फैमिली के साथ इनकी प्रॉब्लम है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड थे या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, और ये पर्सन हर्ट है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अभी वीक है ये, और आपके प्रति इस पर्सन की फीलिंग्स समवेयर ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और जस्टिस का कार्ड भी है, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं और आपके साथ इनको काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर,
जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बात करके इनको काफ़ी अच्छा फील होता है, आपकी प्रेजेंस में काफ़ी अच्छा फील करते हैं। इनको लगता है कि कुछ इनकी लाइफ में जो नेगेटिव है, तो उस चीज़ की बात अगर ये पर्सन आपके साथ करते हैं, अपने तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर करते हैं, तो इनको बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, सल्यूशन मिलता है आपसे बात करके, या इनका दिमाग हल्का फील करता है, ठीक है। और विद द कार्ड ऑफ द पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको काफ़ी पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है। हमेशा बात करते रहना, जिस पर्सन की संगति अच्छी लगती है तो वैसे इनको आप लगते हो। एंड क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि ये पर्सन और आप लोगों के बीच में इन फ्यूचर मे बी रिलेशनशिप स्टार्ट हो, बट ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए शादी, लाइफ पार्टनर की तरह आपको देखना, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यस, आपकी जो क्रश है वो आपको लाइक करते हैं करंटली, मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव एट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड है। वी हैव द बर्डन। सो इस पर्सन को समवेयर लगता है कि आप जो हो इनकी सारी तकलीफों को समझते हो, और मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत सारी बातें नहीं भी बताते अपने लाइफ की, अपने तकलीफ नहीं बताते, बट फिर भी इनको लगता है कि आप बिना कहे इस पर्सन की बातों को समझ जाते हो, और ये लाइक करते हैं उस बात को, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचर इनको पसंद आती है, ओके। मे बी ये पर्सन भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगते हैं, और इनको भी लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझते हो इनको। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू। चलिए देखिए, अभी हम देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे लाइट का कार्ड है एंड मूव फॉरवर्ड का कार्ड है। We have the magician. Month of January can be important. We have the hermit and five of cups. Three of swords. Two of pentacles. And six of wands. सो ऑप्शन नंबर वन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑल दो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या फिर आपके दिल में भी इस पर्सन की तरफ फीलिंग्स है, लाइक करते हो, कुछ लोग हो सकता है आप इस पर्सन को प्यार करते हो, और ये पर्सन भी समवेयर आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, काफ़ी अच्छा फील करते हैं अट्रैक्शन, एंड आपको बहुत ही आपके साथ बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, आपके साथ रिलेशन में होना काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इस टाइम पे जो भी आपकी बॉन्डिंग है उस चीज़ को ये पर्सन काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, जो भी रिलेशन है। बट इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप या मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ओके। सो यस, आप लोग डेफिनेटली कनेक्शन में हो, बात कर रहे हो, जो रिलेशन है, जैसा बॉन्डिंग है, वो चीज़ें आप लोगों की स्ट्रांग और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है, आप दोनों एक साथ हो। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप या मैरिज इस पर्सन के साथ नहीं दिखाई जा रही है। सो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। आई नो कुछ लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई जा रही है, सो मैंने आपको ये बताया। यहाँ पे कॉफिन है, गिफ्ट है, कोर्ट हाउस। यहाँ पे कोर्ट हाउस और जस्टिस आ रहा है, तो हो सकता है किसी का या तो कोई पर्सन लॉयर है, या करेंटली किसी के ऊपर में कोई केस चल रहा है, कोर्ट में बहुत आना जाना हो रहा है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर आप दोनों पर्सन में से कोई एक लॉयर हो सकता है। तो आप लोगों का रिलेशन जो है ना, मतलब जान पहचान या जो भी आप लोगों के बीच में अभी कनेक्शन है, वो बना रहेगा, बहुत ही अच्छे नोट पे ग्रो होगा। बट अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर मैरिज, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कनेक्शन में दिखाई नहीं पड़ रही है। सो चलिए भी हम चिट से देख लेते हैं और हमें क्या पता चलता है अबाउट दिस पर्सन। जी कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, जी से आपका नाम या इस पर्सन का नाम हो सकता है, एंड आफ्टर दैट वी हैव डी, सो डी कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। नंबर 24 बर्थडे हो सकता है इस पर्सन का, नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 18, एंड आफ्टर दैट वी हैव क्यू, सो क्यू से नाम हो सकता है यहाँ पे,
8 can be important. So this is the reading for you. Option number 1. I hope so reading आपके साथ resonate हुई है, आपको अच्छी लगी है. मुझे बताएं ज़रूर. And don't forget to like the video and subscribe to my channel. हम मिलेंगे next reading में. Thanks for watching. Option number 2. Welcome to your reading. आपने इस वाले card को select किया है या फिर अपने person के name initial के according select किया है. This is your reading. और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके कैसे हैं? आज की रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं क्या पता चलता है. यहाँ पे सन का कार्ड आया है. दिस पर्सन कैन बी अ फायर साइन. स्पेशली यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये पर्सन हो सकता है आपके कॉलेज में है, करेंटली स्टूडेंट है या पॉलिटिशियन है, ओके? बट बहुत ही ज़्यादा बोल्ड ब्राइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? काफ़ी बोल्ड हो सकते हैं ये पर्सन. एंड मे बी इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ब्राइट है. वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, लिब्रा. फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी अ लिब्रा. And after that we have Knight of Cups. So ये person काफ़ी good looking हो सकते हैं, मतलब हो सकता है इनको काफ़ी सारे looks के लिए काफ़ी तारीफ मिलती है. काफ़ी अच्छे से dress up होना, makeup करना और अपनी personality को maintain करके रखना इनको आता है अच्छे से, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. Another thing is that कि ये person काफ़ी अच्छा बोलते हैं या काफ़ी bold है nature में, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते लोग इनको काफ़ी appreciate करते हैं या फिर लोगों को किसी तरह से guide करना या किसी को कुछ problem हुई कभी तो ये मतलब सभी लोग इनके पास आते हैं ताकि ये पर्सन हेल्प कर सके, सोल्यूशन दे सके. बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वेरी पावरफुल और इनके पास हो सकता है काफ़ी सारे सोल्यूशंस रहते हैं, या हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बोल्ड एंड ब्रेव है, किसी से डरते नहीं हैं, तो उस तरह की पर्सनैलिटी इसकी हो सकती है. एंड ये किसी की गलत बातों को नहीं सुनते हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस के लिए फाइट करने वाली ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स, इनकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है? इनके अंदर कुछ इनकी पर्सनालिटी में है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनकी तरफ. ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नज़र आते हैं या काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, ओके? तो इस पर्सन की पर्सनालिटी में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है. ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन पॉपुलर फिगर हो सकते हैं, ठीक है? अब इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी हो सकती है कि मान लो ये कॉलेज में पॉपुलर है, ऑफिस में पॉपुलर है, अपनी सिटी में पॉपुलर है, कंट्री में, कहीं भी, बट वो चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है. दिस पर्सन कैन बी समवन जो पॉपुलर है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मॉडल आर्टिस्ट हो सकते हैं. सो लेट्स सी इस पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है. कुछ लोग हो सकता है कि ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं या मैथमेटिशियन हो सकते हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो करेंटली ये पर्सन अपने करियर पे काफी ज्यादा फोकस है, ठीक है? और करियर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं या करियर में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारे काम इनके पास हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर ये पर्सन लगे हुए हैं, काफ़ी बिजी है अपने करियर में, क्योंकि इनको समवेयर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है या फिर हो सकता है इनको कोई जॉब लगी है जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है. जैसे मान लो कि उस अपॉर्चुनिटी या उस काम को बहुत अच्छे से किया तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनका काम और भी अच्छा हो जाएगा, इनको प्रमोशन मिल सकती है. तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है दैट इनको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और ये उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है ये नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है जो इनको बहुत ही आगे लेके जाएगी. सो करेंटली आपके पर्सन, आपके क्रश करेंटली वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पर फोकस दिख रहे हैं. इनकी एनर्जीज इनके करियर पे करेंटली बहुत फोकस दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी को तलाश करना, अपने आप को ऊंचा लेके जाना. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू. नाउ वी हैव किंग ऑफ वैंड्स. ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंड विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वैंड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. फाइव ऑफ कप्स, बहुत ही मेहनत करते हुए दिख रहे हैं करेंटली, ओके? फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनकी कुछ काम, मतलब
पास्ट में इन्होंने कोई फेलियर देखा या कुछ करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाया, तो करेंटली उस काम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड नाउ, वो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपको लेके कैसा सोचते हैं। ठीक है, आपके क्रश के थॉट्स आपके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर टू। ओके, यहाँ पे लव का कार्ड गिरा है पहला, नाइस। वी हैव द नोवाइस, इनोसेंस बिगनर, इग्नोरेंस न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल क्यूरियोसिटी। सो नंबर फाइव कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, नंबर फाइव आपका बर्थ डेट इस पर्सन का या मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, प्राइड एंड लीडरशिप। सो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके बॉस है या इनके अंडर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है। ओके, एंड हो सकता है ये आपके बॉस लीडर, मुझे वो चीज़ें दिख रही है, या फिर आपके कोई टीचर ट्रेनर गुरु हो सकते हैं जिनके अंडर आप कुछ सीख रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत ही इनोसेंट देखता है। ओके, और आपके जो क्रश है हो सकता है उनके पास कोई नॉलेज है या फिर कुछ चीज़ें हैं, आप इनके अंडर वर्क करते हो तो ये आपको वो चीज़ें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें इनको आती है और आपको नहीं आती है, तो ये पर्सन आपकी मदद करना चाहता है और आपकी इनोसेंस वो इनको काफ़ी अच्छी लगती है। आप दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप हो, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस पर्सन की और आपकी एक्सपीरियंस कम है, तो ये पर्सन आपको हमेशा एक हेल्प करना चाहता है। ठीक है, आपको रास्ता दिखाना चाहता है और समवेयर इस पर्सन को अपने गुण पे इन्होंने जो भी सीखा है, इनकी जो भी पोजीशन है, तो इस पर्सन ने अपने लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी किया है, जो भी अचीव किया है, ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी प्राउड फील करता है खुद पे। आपके जो क्रश है उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में अपनी वो पोजीशन बनाई है या जो भी इनके पास पॉजिटिव है। मे बी इनकी लुक्स इनको काफ़ी के लिए तारीफें मिलती है, तो उस चीज़ को लेके ये काफ़ी पॉजिटिव फील करता है। एंड इवन इन दैट केस ये पर्सन आपकी मदद करना चाहता है, आपको अपनी तरह बनाना चाहता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर इसको कुछ चीज़ें आती हैं और आपको नहीं आती है, वो चीज़ें आपको सिखाना चाहता है। बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन देखता है जो बहुत ही इनोसेंट है, भोला भाला है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से ये आपको आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी कुछ चीज़ों को सिखाना चाहता है। यहाँ पे लव का भी कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, अब प्यार करने का सेंस ऐसा भी हो सकता है जैसे हम किसी को फ्रेंड की तरह प्यार करते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती है, हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार की भावना है और ये कार्ड खुद से गिरा है, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्यार करता है, आपको ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं। वी हैव नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स। सो आप हो सकता है अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी परेशान हो, तो ये पर्सन समवेयर आपकी तरफ अपना हेल्प ऑफर करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है। ठीक है, और आप में भी किसी तरह की मुसीबत में हो या परेशानी में हो या स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो ये पर्सन चाहता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन चेंज हो, आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, बैलेंस आए, तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन हमेशा सोचता है, आपका अच्छा सोचता है। ठीक है, हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी तकलीफें आई है, काफ़ी परेशान हो आप, एंड आपकी करेंट सिचुएशन मुझे परेशानी वाली दिख रही है। हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, चेंज हो जाए, वो चीज़ें ये पर्सन विश कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत टाइम से जानता है। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। लेट मी सी मोर, चलिए आगे देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों का कोई फ्यूचर है साथ में या नहीं, वो भी चीज़ें देखेंगे। ब्रेकिंग फ्री, सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि आप अपने लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से बंधे हुए हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिख रहा है जैसे ये पर्सन बंधा हुआ है किसी चीज़ से, और यहाँ पे ब्रेकिंग फ्री का कार्ड है, इट मीन्स दैट ये पर्सन विश करता है कि आप अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी इस टाइम पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो गॉड, यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है, कैन यू सी दैट, दो बारी आप लोगों के लिए लव का कार्ड है अलग अलग डेक से। सो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, नो डाउट हियर, यहाँ पे
आप लोगों के लिए लव का कार्ड है, एंड हो सकता है आप दोनों पर्सन एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हो बट अभी तक एक दूसरे को कन्वेस नहीं किया है, तो वो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है साथ में। वी हैव मैजिशियन, वी हैव द एम्परर, वी हैव एट ऑफ वैंड्स। आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, ठीक है, प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताए, और कहीं ना कहीं आप बहुत श्योर हो कि ये पर्सन आपको लाइक करता है बट अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो सकती है, पोजीशन डिफरेंस हो सकती है। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है या तो ये पर्सन एज में, स्टेटस में या पोजीशन में काफ़ी बड़े हो सकते हैं आपसे, तो उस तरह की प्रॉब्लम है। बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लाइक करता है, प्यार करता है, एंड समवेयर आप भी करते हो बट एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है आप लोगों ने फीलिंग्स को। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कनेक्शन को इस पर्सन के साथ। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, फिर यहाँ पे व्हील का कार्ड है। इस टाइम पे आप लोगों की सिचुएशन, आपके या इस पर्सन की सिचुएशन कुछ खराब चल रही है, ठीक है। मुझे मोस्टली आप लोगों के लिए दिख रहा है कि करेंटली आप किसी तरह के प्रॉब्लम से बंधे हुए हो, ठीक है, एंड ये पर्सन चाहता है कि आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। यहाँ पे व्हील का कार्ड है और व्हील का कार्ड पहले भी आया है आप लोगों के लिए, तो करेंटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाए, उसके बाद मे बी ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, अपनी फीलिंग्स को बताएगा। ये वेट कर रहा है करेंटली आपका जो क्रश है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए। करेंटली आप मे बी, कुछ लोग हो सकते हैं आप किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हैं या किसी रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसा है, तो ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलो विद द कार्ड ऑफ द डेविल। सो इन फ्यूचर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। वी हैव गिफ्ट, वी हैव प्रिविलेज्ड लेडी, तो मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन लाइक करता है, ये पर्सन आपको फ्यूचर में कोई गिफ्ट या कोई प्रपोजल दे सकता है, एंड आप अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज्ड फील करोगे, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ही अच्छा मानते हो, काफ़ी अपने लिए सुइटेबल देखते हो, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न, बट करेंटली आप काफ़ी वरीड हो, आपको टेंशन हो रही है कि आगे चल के क्या होगा, सो वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। बट फ्यूचर में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेगा, मे बी प्रपोज कर सकता है, ठीक है। बट यू हैव फाइव ऑफ वैंड्स, बट आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस यहाँ पे है। पेज ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स, सो फ्यूचर में आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को इनिशिएट करने की सोच सकता है, बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचना, आपकी तरफ, आपके बारे में सोचना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है, डीपर फीलिंग्स नज़र आ रही है। लेट मी सी चिट से क्या पता चलता है। सो आपकी क्रश आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड इन फ्यूचर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। यहाँ पे आर है, सो आर लेटर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम आपका या आपके क्रश का, लेटर के कैन बी इम्पोर्टेंट। 30 एज हो सकती है आपका, बर्थ डेट हो सकता है इस पर्सन का, एस 17 कैन बी इम्पोर्टेंट, 4 कैन बी इम्पोर्टेंट, अप्रैल कैन बी इम्पोर्टेंट, वर्गो कैन बी इम्पोर्टेंट, एरीज हो सकते हैं, और 16 कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। किसी टॉपिक को सजेस्ट करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।